हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी के एजुकेशनल स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे। तो देखिए, एसएससी सीएचएसएल परीक्षा 2020 पेपर आपका 12 अक्टूबर से शुरू है, तो लास्ट चार दिन बचे हैं आपकी परीक्षा में। सीएचएसएल परीक्षा 12 से लेकर 21 अक्टूबर स्पेशल जो परीक्षा होने वाली है, इसके लिए आज हम स्टेटिक जीके का मॉक टेस्ट नंबर 1 करेंगे। इस मॉक टेस्ट नंबर 1 में हम स्टेटिक जीके करंट अफेयर जीए के बेस्ट 65 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे। रट लीजिए इन प्रश्नों को, काफी कम समय बचा है आपके पास। तो जिनकी भी सीएचएसएल परीक्षा बाकी है, सभी क्वेश्चन इस वीडियो में वेरी इंपॉर्टेंट आपको कवर कराए जाएंगे, तो वीडियो को ध्यान से एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखिएगा। पहले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, मानव शरीर में उस एंजाइम का नाम बताइए जो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने में मदद करता है। तो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने में जो एमाइलेज एंजाइम है वो मदद करता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा इस क्वेश्चन का। देखिए, अपने फटाफट ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर करेंगे क्योंकि एग्जाम में काफ़ी कम समय बचा है। सेकेंड क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, डैश ने आगरा को अपने साम्राज्य की राजधानी बनाया था। तो देखिए, आगरा को अपने साम्राज्य की जो राजधानी बनाया गया था वो अकबर के द्वारा बनाया गया था। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, किसे ओडिशा का शोक कहा जाता है, वो इज कॉल्ड सोरो ऑफ ओडिशा। तो देखिए, सोरो ऑफ ओडिशा जो कहा जाता है वो कहा जाता है महानदी को। राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी रहेगा। देखिए, आप सभी क्वेश्चन के राइट आंसर मेरे साथ कमेंट बॉक्स में बताते हुए चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा जा रहा है, मंगलोर की संधि पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और डैश के बीच हस्ताक्षर किए गए थे। देखिए, जो मंगलोर की संधि हुई थी ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और टीपू सुल्तान के मध्य 11 मार्च 1784 को हुई थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, बैंकिंग के संदर्भ में ADF का पूर्ण रूप क्या है। तो ADF की फुल फॉर्म क्या है, तो ADF की फुल फॉर्म है ऑटोमेटेड डाटा फ्लो। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, टिड्डा के कान उसके डैश पर स्थित होते हैं। देखिए, जो टिड्डा के कान होते हैं ये उसके पैर यानी कि फीट पर स्थित होते हैं। सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, भारत के संविधान के डैश के तहत एक मौलिक अधिकार भारत के पूरे क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से स्थानांतरित करने का अधिकार है। तो ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो ये आता है अनुच्छेद 19 के अंतर्गत। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, चूना पत्थर एक तलछटी होता है जो मुख्य रूप से किससे बना होता है। देखिए, चूना पत्थर एक तलछटी होता है जो कि मुख्य रूप से कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, खिचड़ी, उत्तरायण और लोहड़ी डैश के त्यौहार के विभिन्न नाम हैं। तो ये किस त्यौहार के विभिन्न नाम हैं, तो ये है मकर संक्रांति त्यौहार के विभिन्न नाम हैं, खिचड़ी, उत्तरायण और लोहड़ी। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, गैल्वनीकरण की प्रक्रिया में लोहे पर क्या जमा किया जाता है। तो इस पर लोहे पर क्या जमा किया जाता है, जिंक की परत चढ़ाई जाती है यानी कि जिंक को जमा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, B.R. अम्बेडकर स्वतंत्र भारत के पहले डैश मंत्री थे। चार ऑप्शन है और ये इस वीडियो का क्वेश्चन फॉर यू रहेगा, आपको कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है। अगला क्वेश्चन है, सम्राट अकबर के दरबार में टोडरमल क्या थे। देखिए, सम्राट अकबर के दरबार में जो टोडरमल थे ये क्या थे, ये फाइनेंस मिनिस्टर थे यानी कि वित्त मंत्री थे और ये अकबर के नवरत्नों में से एक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, डैश शासकों ने खजुराहो में अपनी धार्मिक राजधानी स्थापित की थी। तो खजुराहो में अपनी जो धार्मिक राजधानी स्थापित की गई थी वो स्थापित की गई थी चंदेल शासकों के द्वारा। सेकेंड नंबर ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, एक बैटरी डैश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। देखिए, एक जो बैटरी है वो केमिकल यानी कि जो रासायनिक ऊर्जा उसे विद्युत ऊर्जा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। देखिए, जो सेबी की स्थापना है ये वर्ष 1988 में हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर स्थित है, वेरी इंपॉर्टेंट है, तो वो मुंबई में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय ने परिधान डिजाइन के लिए वर्ष 1982 में अकादमी पुरस्कार जीता था। तो किसके द्वारा जीता गया था, ये जीता गया था भानु अथैया के द्वारा। सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश पद्म विभूषण पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले खिलाड़ी थे। तो देखिए, पद्म विभूषण पुरस्कार प्राप्त करने वाले जो पहले खिलाड़ी थे ये विश्वनाथ आनंद थे। ये चेस के खेल से संबंधित हैं और ये इन्होंने 2007 में प्राप्त किया था। अगला क्वेश्चन है, डैश आधिकारिक तौर पर गोवा का राजकीय खेल है। तो देखिए, गोवा का जो राजकीय खेल है वो है फुटबॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भारत के पहले लूनर प्रोब को कहा गया था, तो इसे क्या कहा गया था, तो इसे कहा गया था ऑप्शन नंबर बी चंद्रयान 1।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, द ब्लू अम्ब्रेला पुस्तक किसने लिखी है। देखिए जब द ब्लू अम्ब्रेला जो पुस्तक लिखी गई है वो रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखी गई है, ये पुस्तक इन्होंने 1980 में लिखी थी। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य ने लॉकडाउन के दौरान आवश्यक प्रसव के लिए ई पास जारी करने के लिए प्रज्ञाम ऐप लॉन्च किया। देखिए ये जो ई पास जारी करने के लिए प्रज्ञाम ऐप लॉन्च किया गया था, ये लॉन्च किया गया था ऑप्शन नंबर 4 झारखंड राज्य सरकार के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, फिलिप वारेन एंडरसन जिनका अप्रैल 2020 में निधन हो गया वह किस क्षेत्र के नोबेल विजेता हैं। तो ये किस क्षेत्र के नोबेल विजेता हैं, तो इन्होंने भौतिकी में नोबेल प्राइज जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, किस भारतीय राज्य ने नोवल गर्म निरोधक पोर्टेबल मल्टी फीड ऑक्सीजन मैनिफोल्ड खरीदने का प्रस्ताव दिया। तो देखिए ये जो प्रस्ताव दिया गया वो दिया गया आंध्र प्रदेश राज्य के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, कोरोना केयर भारत का पहला अस्पताल में भर्ती बीमा है जो बजाज एलियांस जनरल इंश्योरेंस के सहयोग से किस डिजिटल भुगतान कंपनी द्वारा प्रदान किया गया है। तो ये प्रदान किया गया है फोन पे कंपनी के द्वारा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, किस कंपनी के साथ केरल स्थित SCTIMHT ने पोर्टेबल हल्के आपातकालीन वेंटिलेटर सिस्टम बनाने में सहयोग किया है। तो ये जो सहयोग किया गया है वो विप्रो 3D कंपनी के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 1 जुलाई से किल कोरोना अभियान शुरू करने जा रहे हैं ताकि पूरी आबादी को स्क्रीन किया जा सके। देखिए ये जो अभियान शुरू किया गया वो शुरू किया गया मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, ICC लाइट पैनल में शामिल होने वाले सबसे कम उम्र के अंपायर कौन बने हैं। तो कौन बने हैं, तो ये बने हैं नितिन मेनन। 2nd नंबर ऑप्शन राइट आंसर इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, 2019 के अंत में स्विस बैंकों में पैसे के हिसाब से भारत की रैंक क्या है। तो इसमें पैसे के हिसाब से जो भारत की रैंक है वो 77वीं पोजीशन पर है इसमें भारत। अगला क्वेश्चन आपके सामने, नासा के मुख्यालय भवन का नाम निम्नलिखित में से किस इंजीनियर के नाम पर रखा जाएगा। तो ये किस इंजीनियर के नाम पर रखा जाएगा, तो ये रखा जाएगा आपके ऑप्शन नंबर 4 मेरी डब्ल्यू जैक्सन के नाम पर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नशीली दवाओं की दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल कब मनाया जाता है। तो इसके खिलाफ जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है ये 26 जून को मनाया जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 है। अगला क्वेश्चन है, 2023 महिला फुटबॉल विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा। तो कौन सा देश करेगा, तो देखिए इसकी जो मेजबानी की जाएगी वो की जाएगी बोथ ए एंड बी यानी कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, किस राज्य में मध्य क्षेत्र विद्युत कंपनी ने महिला सशक्तिकरण के लिए निश्चय विद्युत मित्र योजना शुरू की है। तो ये किस राज्य में की गई है, तो ये शुरू की गई है मध्य प्रदेश राज्य में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, कैबिनेट ने कुशीनगर हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित करने को मंजूरी दे दी है। कुशीनगर हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है। देखिए जो कुशीनगर हवाई अड्डा है ये भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का पहला योग विश्वविद्यालय विवेकानंद योग विश्वविद्यालय कहाँ लॉन्च किया गया है। तो ये लॉन्च किया गया लॉस एंजलिस में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 है इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, उस क्रिकेटर का नाम बताएं जो 233 वर्षों में पहली महिला MCC अध्यक्ष बनने जा रही है। तो कौन बनने जा रही हैं, तो ये बनने जा रही हैं क्लेयर कॉनर। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, किस राज्य सरकार ने गरीबों के लिए इंदिरा रसोई योजना की घोषणा की है। तो देखिए इंदिरा रसोई योजना की जो घोषणा की गई है वो राजस्थान राज्य सरकार के द्वारा की गई है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने इनोवेटर्स के लिए युक्ति 2.0 प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। देखिए ये जो युक्ति 2.0 प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है इसे लॉन्च किया गया है रमेश पोखरियाल निशंक जी के द्वारा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 है इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, टोनोशिरो द्वीप का नाम बदलकर टोनोशिरो सेनाकाकू करने से चीन और डैश के बीच तनाव बढ़ गया है। तो इससे चीन और जापान के बीच जो तनाव बढ़ गया है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 है इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस देश ने शांति और स्थिरता बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र सशस्त्र व्यापार संधि में शामिल होने का फैसला किया है। तो इसमें शामिल होने का जो फैसला किया गया है वो चीन देश के द्वारा किया गया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 है इस क्वेश्चन का।
अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कौन सा देश 36वें एशियन शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। तो 36वें एशियन जो शिखर सम्मेलन की मेजबानी की जाएगी वो वियतनाम देश के द्वारा की जाएगी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस हर साल कब मनाया जाता है। देखिए जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस है इसे हर साल 23 जून को मनाया जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है मार्क विलियम केलावे ने सेवानिवृत्ति की घोषणा की है वह किस खेल से जुड़े हैं। तो ये कुश्ती के खेल से यानी कि रेसलिंग के खेल से जुड़े हुए हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 है। अगला क्वेश्चन है जोएल शुमाकर का हाल ही में निधन हो गया वह एक डैश थे। तो ये एक क्या थे, तो ये एक डायरेक्टर थे यानी कि निर्देशक थे। अगला क्वेश्चन है आडी पेरकू किस राज्य ने मनाया है। तो इसे मनाया गया है तमिलनाडु राज्य के द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है गांधी सेतु किस राज्य में शुरू किया गया। देखिए जो गांधी सेतु शुरू किया गया है वो शुरू किया गया है बिहार राज्य में। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है किस दिन को मुस्लिम महिला अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो देखिए मुस्लिम महिला अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है 1 अगस्त को। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ली टेंग हुई लोकतंत्र के पिता माना जाता है वे किस देश से थे। तो ये किस देश से थे, तो ये ताइवान देश के थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 है। अगला क्वेश्चन है किस राज्य में आदि पेरुकू त्यौहार मनाया गया। देखिए जो आदि पेरुकू त्यौहार मनाया गया है ये मनाया गया है तमिलनाडु राज्य में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा इस क्वेश्चन का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है फ्लाइंग यूनिट के फ्लाइट कमांडर के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला अधिकारी का नाम बताएं। तो ये पहली जो महिला अधिकारी है उनका नाम क्या है, तो इनका नाम है शालिजा धामी। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपके सामने फीफा 2020 अंडर 17 महिला विश्व कप का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश में किया जाएगा। देखिए जो फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप है 2020 का, इसका जो आयोजन किया जाएगा वो भारत में किया जाएगा। राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 2 रहेगा। अगला क्वेश्चन है शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान को हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति के रूप में फिर से चुना गया। तो इन्हें हाल ही में यूएई के राष्ट्रपति के रूप में फिर से चुना गया। सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन आपके सामने भारतीय खाद्य निगम यानी कि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई। तो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की जो स्थापना है वर्ष 1965 में की गई। ऑप्शन नंबर 2 क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है चेरी ब्लॉसम महोत्सव किस शहर में मनाया जाता है। देखिए जो चेरी ब्लॉसम महोत्सव है ये मनाया जाता है शिलोंग शहर में। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है। देखिए जो हथकरघा दिवस है ये मनाया जाता है 7 अगस्त को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 है इस क्वेश्चन का। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कोली नृत्य किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य। देखिए जो कोली नृत्य है ये महाराष्ट्र राज्य का क्या है, लोकप्रिय नृत्य है। अगला क्वेश्चन है बेंगलुरु में कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय में 107वें भारतीय विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन 3 जनवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। इस जो शिखर सम्मेलन का विषय क्या था, तो देखिए इस शिखर सम्मेलन का विषय क्या था, तो इसका विषय था साइंस एंड टेक्नोलॉजी रूरल डेवलपमेंट। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र महासभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो कौन है, तो ये है तिजानी मोहम्मद बंदे। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है किस राज्य ने रेस नामक नया उच्च शिक्षा मॉडल लॉन्च किया। तो देखिए रेस नामक नया जो उच्च शिक्षा मॉडल लॉन्च किया गया है वो लॉन्च किया गया है पश्चिम बंगाल राज्य सरकार के द्वारा। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आज की इस वीडियो में हमने 65 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर किए। आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।